कांग्रेस का चेहरा धीरे धीरे ओपन हो रहा है। एक और राहुल गांधी का एंडोर्समेंट ये पाकिस्तान से होता है और उनको उसका आनंद भी आता है, और दूसरी ओर यहाँ विपक्ष के नेता उनको चिंता अजमल कसाब की है, कहते उज्जवल निकम ने अजमल कसाब की बदनामी की, तो ये सीधा है हमारे महायुति उज्जवल निकम के साथ है और कांग्रेस पार्टी अजमल कसाब के साथ है। इतना संगीन आरोप कर रहे हैं कि कसाब को अपना मान रहे और मुझे देशद्रोही मान रहे, वाह रे वाह, क्या आपकी छाया। The campaign for Lok Sabha election is on the peak and as we give you the live visuals, we have Ujjwal Nikam ji, the candidate for Mumbai North Central, and we have the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. Devendra ji, जिस प्रकार की हवा है महाराष्ट्र में, महायुति की सरकार है, तीन दल एक साथ है, कितना आत्मविश्वास है? पूरा आत्मविश्वास है। 14 में भी महाराष्ट्र मोदी जी के साथ था, 19 में भी महाराष्ट्र मोदी जी के साथ था, 24 में भी महाराष्ट्र मोदी जी के साथ और महायुति के साथ रहेगा। भगवा बादल देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी मुंड ही मुंड भगवा बादल है, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? पूरी भगवी लहर है और लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी जी के साथ जाना है। जिन्होंने सुरक्षित भारत तैयार किया, जिन्होंने गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, जिन्होंने भारत को वैश्विक प्रतिमा दी और जिनके नेतृत्व में विकसित भारत तैयार होने वाला है, उन्हीं मोदी जी को वापस चुनकर देना है। इसलिए मुंबई में भी 6 सीटें बीजेपी, शिवसेना और हमारे अलायंस की आएगी। एक सवाल लूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा आतंकवाद का जिद किया, लव जिहाद का जिद किया, कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया, क्या कुछ कहेंगे? क्या बोला? भगवा आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, कांग्रेस को लेकर के निशाना साधा है, लव जिहाद की बातें की है। देखिए, कांग्रेस का चेहरा धीरे धीरे ओपन हो रहा है। एक और राहुल गांधी का एंडोर्समेंट ये पाकिस्तान से होता है और उनको उसका आनंद भी आता है, और दूसरी ओर यहाँ विपक्ष के नेता उनको चिंता अजमल कसाब की है, कहते उज्जवल निकम ने अजमल कसाब की बदनामी की, तो ये सीधा है हमारे महायुति उज्जवल निकम के साथ है और कांग्रेस पार्टी अजमल कसाब के साथ।